हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्यामा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी वेज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये कुछ शाही अंदाज में बनता है। और बिना लेट के चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में जो बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कर दे और ऑल ऑप्शन क्लिक कर दे, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी, मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मोटे तले के बर्तन में 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है और इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है हमें दूध को, थोड़ा सा बस गर्म कर लेना है। और बीच बीच में इसको थोड़ा चलाना भी पड़ेगा ताकि दूध नीचे ना लग जाए। देखिए, जैसे ही यहाँ पे दूध थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी विनीगर वाला पानी। मैंने 3 टेबलस्पून विनीगर और 4 टेबलस्पून पानी को एक बोल में मिला के रख दिया था, वही मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। एक साथ सारा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और फ्लेम को हाई में ही रखना है। ऐसे मैंने सारा पानी 3 बार में ऐड किया था। देखिए, दूध और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। छेना तैयार है, इसको हम छान के निकाल के ऐसे स्ट्रेनर में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 काजू बादाम और कुछ किशमिश। इसको मैं 15 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में सोक करके रख दूँगी। फिर इसके साथ 1 टमाटर और 4 हरी मिर्ची एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे ले लिया है 4 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है पहले। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1 बड़ा चम्मच खड़ा जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का आलू, 2 मीडियम साइज़ के गाजर और 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम। सब चीज़ को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गाजर को मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटा करके काटा है क्योंकि गाजर थोड़ा पकने में टाइम लगता है ना, इसलिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक और हल्दी को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करके मैं इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि सब्जियाँ थोड़ी हाफ कुक हो जाए। 5 मिनट बाद सब्जियाँ जब हाफ कुक हो गई हैं तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम चीनी। चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सारे सूखे मसाले को हम 5 मिनट के लिए सब्जियों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा था ना हमने काजू बादाम किशमिश टमाटर और हरी मिर्ची के साथ, वो ऐड कर रही हूँ। इस पेस्ट को भी हम सब्जी और मसाले के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और इसको फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम रख के। 5 मिनट बाद देखिए मसाले से जब थोड़ा सा तेल निकल आए तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी वो छेना जो मैंने छान के स्ट्रेनर में रख दिया था ना वो। पानी बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है और इसको मैं अब थोड़ा सा ऐसे तोड़ लूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए, मिक्स करते करते मुझे 5 मिनट हो चुका है।
मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको सब्जी के साथ। और फिर मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार थोड़ा सा और नमक और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम फिर से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद सब्जियां ग्रेवी के साथ अच्छे से पक चुकी हैं और ग्रेवी भी एकदम सूख गई है। देखिए लग रही है ना, बहुत ही टेम्पटिंग। तो ये शाही वाली छेना की सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वेज पुलाव, पूरी, पराठा इसके साथ। आप घर पर प्लीज़ ट्राई करें और मुझे कॉमेंट्स में अपने फीडबैक्स शेयर करें कि आपको कैसी लगी। रेसिपी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और एंड स्क्रीन में आपको मेरी एक और रेसिपी देखने को मिलेगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।